गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हमने आपको पढ़ाए थे असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इसके बाद जो आपका चल रहा था वो था इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हम आपको लेट वाले सेंटेंसेस समझा रहे थे, जिसमें तीन प्रकार से वाक्य थे। सबसे पहला था आपका प्रपोज्ड वाले वाक्य यानी कि प्रस्ताव वाले, दूसरे आपके थे रिक्वेस्ट प्रार्थना वाले, और जो तीसरे हैं वे हैं आपके आदेश वाले वाक्य। तो दो जो आपके थे वे हमने करा दिए थे प्रार्थना वाले वाक्य तक, आज हम आपको पढ़ाएंगे आदेश वाले। आदेश वाले वाक्य, जैसा कि ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है, तो आदेश वाले वाक्य यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, कमांड। वैसे तो सभी जानते हैं किसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर, है ना, ये सभी जानते हैं कि आदेश वाले वाक्य में क्या होता है, आज्ञा यानी कि ऑर्डर। तो इसके अंतर्गत लिखिए लेट वाले वाक्य से, लेट वाले वाक्य से, लेट वाले वाक्य से किसी को आज्ञा देने का, किसी को आज्ञा देने का भाव का बोध होता है, आज्ञा देने का भाव का बोध होता है, बोध हो तो ऐसे हो, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। सबसे पहले नंबर एक, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में ऑर्डर में बदल देते हैं। समझ में आया बच्चों? जैसे अभी तक आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदल रहे थे टोल्ड में, आस्क में, फिर रिक्वेस्टेड में और एडवाइस में, ऑर्डर में। तो यहाँ पे भी क्या आया है, ऑर्डर में हम सेट को बदलेंगे। नंबर सेकंड, लेट के स्थान पर यानी कि लेट वो इनडायरेक्ट में, ये लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, लेट के स्थान पर, लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है, फिर नाउन,
या प्रोनाउन, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग करके, शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। अन्य शब्दों को लिखते हैं। नोट कर लीजिए। तो देखिए लैंड वाले वाक्य से किसी को आज्ञा देने का क्या होता है, बोध होता है कि कोई आज्ञा दी जा रही है। वो ऐसे वाक्यों में डायरेक्ट बनाते हैं जो निम्नलिखित नियम में परिवर्तित करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है, सेड। तो जब इनडायरेक्ट वाक्य आता है तो सेड के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, और किसी प्रकार से डायरेक्ट स्पीच में लेट आता है यानी कि कॉमन वर्ब होगा, फिर लेट होगा तो लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन मान लीजिए आप इसे दैट का प्रयोग होगा, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद, अब जो कि नाउन या प्रोनाउन आ रहा है और वो आया जैसे ही आया, सी आया या कोई नाम आया, तो उसके बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। जो भी उसमें आया है वो हम जो करते हैं उसे लिख देंगे। इतना आप नोट कर लें, पहले कर लिया था मैंने। तो देखेंगे अब हम इसके आपको टेस्ट कराएंगे। बातचीत मत करिए बिल्कुल भी। देखिए सबसे पहला डायरेक्ट, डायरेक्ट है यानी कि द ऑफिसर सेड टू क्लर्क, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट नो वन, लेट नो वन कंप्लेन। Let no one come late. हम इनडायरेक्ट देखेंगे, इनडायरेक्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ऑफिसर बड़ा लोग ही छोटे को क्या करेगा, ऑर्डर देगा। जैसे पिता होगा बच्चे को ऑर्डर देगा, बच्चा नहीं होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी शब्द आएंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, और जो यहाँ पर शब्द होंगे वो पद में छोटे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पिता होगा तो लड़के से कह रहा होगा, जैसे टीचर होगा तो बॉय से कह रहे होंगे, या स्टूडेंट से कह रहे होंगे, मदर होगी तो वो बॉय से कह रहे होंगे, सन से कह रहे होंगे। इसी प्रकार ऑफिसर है यानी कि इसका पद बड़ा है, इसका पद छोटा है, तो यही इसको ऑर्डर देगा। ये उल्टा नहीं हो सकता, ये इसको नहीं ऑर्डर देगा कि क्लर्क बालिक को ऑर्डर देने लगा कि एक गिलास पानी लेके आओ, ऐसा होता है नहीं। तो देखेंगे द ऑफिसर, द ऑफिसर, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था, ऑर्डर सेट पर डाल देंगे, अब क्या कर देंगे, ऑर्डर हिज क्लर्क, और यहाँ पे हमने क्या कहा था लेट को हटाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे दैट का, दैट का किया, नो लेट को हटा दिया, क्या बचा आपके पास, नो वन, ये आपका क्या बन गया सब्जेक्ट। हमने क्या था नाम या प्रोनाउन के बाद क्या लगा देंगे, शुड, ये लगा दिया हमने शुड, और बाकी क्या बचा हमारे पास कंप्लेन, तो हमने यहाँ पर कंप्लेन। समझ में आया बच्चों? देखिए हमने जैसा आपको बताया था ऑफिशियल सेट के स्थान पे ऑर्डर, टू के स्थान पे टू को हटा दिया, हिचकिलर के स्थान पे हिचकिलर, इन्वर्टेड कॉमा दैट को दोनों को हटाया, दैट का कंजंक्शन का प्रयोग किया, नो वन क्या है आपका नाउन या प्रोनाउन, हमने कहा था जो भी आ उसे लिख देंगे, तो दोनों को लिख दिया। इसके बाद हमने क्या कहा, तुरंत हम शुड का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग किया, जो पीछे था वर्ब को से ही लिख देते हैं, तो लिख दिया। समझ में आ गया तभी को? Yes, दूसरा देखिए,
Let the man be set free. देखिए यहाँ पे राजा ने कहा, क्या कहा कि आदमी को छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो। उसने किसको आदेश दिया? सैनिक होंगे, मंत्री होंगे, उसको आदेश दिया। अब यहाँ पे आ गया आपका इनडायरेक्ट। दागिस्तान पे दा, किंग के स्थान पे किंग, और दैट के स्थान पे ऑर्डर दैट, लेट के स्थान पे दैट, द मैन शुड बी सेट फ्री। ठीक है, देख लीजिए, समझ में भी सबको आ गया होगा तुरंत। The king ordered that the man should be set free. ठीक है, तो ये आपके कौन से थे वाक्य? ऑर्डर्ड वाले वाक्य थे। चलिए अब कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसे आप कर लें। ये सभी का नोट हो गया होगा? हो गया नोट? नहीं तो आपको करिए नोट जल्दी। और इसी के साथ आज आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस भी खत्म हो गया। देखिए कुछ सेंटेंसेस हम दे रहे हैं जिन्हें आपको करना है, नोट करें। मोहन सेड टू मी, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमा, Let us sing together. Let us sing together. देखिए let us इसमें आया था। अब आपका ये जो अर्थ है आपको खुद पहचान के करना है। ठीक है, ये प्रपोजल वाले बात करें। अगला है he said to us, he said to us,
देंगे, ठीक है। इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।